बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। रिस्पेक्टेड टीचर, डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जाहिद जावेद, आपके साथ एक बार फिर मैथमेटिक्स 7 के यूनिट नंबर 5 फाइनेंशियल मैथमेटिक्स लेसन नंबर 5 के साथ। हमारा आज का सेलो है प्रोपोर्शंस, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। तो डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन को आज हमने स्टडी करना है। लेसन प्लान अटैच है जिससे स्टूडेंट्स और टीचर्स फायदा ले सकते हैं। वार्म अप एक्टिविटीज, प्लीज रिमाइंड द प्रोपोर्शंस एंड रेशियोज। आपने पिछली क्लासेस में कुछ प्रोपोर्शंस को स्टडी किया था, तो उसको थोड़ा सा टीचर्स प्लीज क्वेश्चंस कर लें एक दो स्टूडेंट से, ताकि वो उनको प्रीवियस लेक्चर जो है वो रिमाइंड हो जाए। तो हम चलते हैं आगे। टूडेज कॉन्सेप्ट इज प्रोपोर्शन, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। यहाँ पे मेरे पास एक क्वेश्चन है। आमिना कैन अर्न द रुपीज 4000 इन 8 days, इन हाउ मेनी डेज आमिना विल अर्न द 9000 रुपीज। तो आमिना जो है उसने 4000 8 days में इन जो है वो कमाए हैं पैसे, तो वो 9000 रुपीज के लिए उसको कितने दिन वर्क करना पड़ेगा। तो ये हमने चेक करना है कि ये हमारी सबसे पहले कौन सी प्रोपोर्शंस हैं और कौन सी दो चीज़ें यहाँ पे इन्वॉल्व हो रही हैं। हमारे पास वो इन्वॉल्व हो रही है एक अर्निंग और दूसरा है हमारे पास डेज। अर्निंग कितनी थी 4000 और कितने डेज थे उसमें लगे 8 days। आमना ने 4000 कमाए 8 days में और अब उसको 9000 रुपीज अर्न करने हैं, उसके लिए कितने नंबर ऑफ डेज उसको वर्किंग करनी पड़ेगी हमें ये नहीं पता कि कितने, लेकिन हमें इतना अंदाजा है कि अगर 4000 अर्न करने के लिए 8 days वर्किंग करनी पड़ती है, तो इट मीन्स दैट कि 9000 अर्न करने के लिए मोर देन 8 days लगेंगे, 8 days से ज्यादा लगेंगे। तो इस तरह के प्रपोर्शन को अगर ज्यादा अर्निंग ज्यादा डेज, कम अर्निंग कम डेज, तो डायरेक्ट प्रपोर्शन। ये क्या होती है? डायरेक्ट प्रपोर्शन। जब डायरेक्ट प्रपोर्शन होती है तो हम क्या करते हैं कि अपने फर्स्ट वैल्यू को, जो कि बड़ी वैल्यू है, इंक्रीज होने से अगर इंक्रीज हो रहा है तो हमने इंक्रीज्ड वैल्यू को पहले, या यू कह सकते हैं कि फ्रैक्शन के ऊपर लिखना होता है। रेशियो में अगर आप लिखेंगे तो हम लिखेंगे 9000 रेशियो 4000, ओके, और इज इक्वल टू हम लिखेंगे एक्स रेशियो 8। कैसे लिखेंगे? एक्स रेशियो 8। और जब हम इसको रेशियोज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो हमारा ये बन जाता है, ये मैंने लिखा हुआ 9000 डिवाइडेड बाय 400, जो रेशियो से पहले होगी वो डेफिनेटली, जब हम उसको फ्रैक्शन में लिखने के लिए जाते हैं तो पहली वैल्यू डिनोमिनेटर होती है और दूसरी वैल्यू डिनोमिनेटर होती है। अगर आपके पास ए रेशियो बी लिखा हुआ है तो आप लिखोगे ए ओवर बी, ओके। तो इसी तरीके से अगर ये 9000 रेशियो 4000 लिखा है तो हम क्या लिखेंगे? 9000 ओवर 4000 एंड एक्स रेशियो 8, मतलब एक्स ओवर 8। अब ये डिनोमिनेटर में 8 था, ये इक्वालिटी के एक्स से दूसरी तरफ आएगा तो ये आके जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे 3 जीरोज को कैंसिल करेंगी, हमारी रिमेनिंग फ्रैक्शन बची है 9 over 4। और जब हम 9 over 4, 9 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई 8 करते हैं तो देखें ये डिवाइडेड बाय जो 4 था, 4 1 4 4 2 8, तो हमारे पास बचा 9 and 2 और डिनोमिनेटर में बचा 1, तो 9 2 18, तो ये हमारा आंसर बन गया 18 आपके पास। तो 18 डेज आमना को लगेंगे 9000 रुपीस अर्न करने के लिए। तो ये हमारा था डायरेक्ट प्रोपोर्शन के साथ होने वाला क्वेश्चन। इसी तरीके से कोई इनवर्स प्रोपोर्शन की एग्जांपल, कि हम जैसे जैसे अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ाते हैं तो हम कम टाइम में कोई डिस्टेंस कवर कर लेते हैं। मतलब अगर हमें 10 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करना है तो अगर हमारी गाड़ी की स्पीड ज़्यादा होगी तो हम कम टाइम में जो है वहाँ पे पहुँचेंगे, अगर गाड़ी की स्पीड कम होगी तो हमें ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इसका मतलब है टाइम का और स्पीड का आपस में इनवर्स प्रोपोर्शन है, टाइम और स्पीड आपस में इनवर्स प्रोपोर्शन है। और यहाँ पे क्या था? इनकम आपने अर्निंग करनी है तो नंबर ऑफ डेज आपको कितने लगेंगे, तो नंबर ऑफ डेज और अर्निंग जो है वो उनका
डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, डायरेक्ट रिलेशन है उसको। जब डायरेक्ट रिलेशन होता है तो हम जो है वो जो चीज़ हमने फाइंड करनी होती है उसकी रेशियो को पहले लिखते हैं और इनवर्स प्रोपोर्शन में हम उनको उल्टा करके लिखते हैं। ओके, तो हम चलते हैं आगे। यहाँ पे है रैप अप हमारे पास, जिसमें है रिकग्निशन ऑफ प्रोपोर्शन डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन, जो कि आज हमने स्टडी किया है। तो आज आपको इसको अच्छी तरीके से रिकग्नाइज करना था कि हमने डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन से अपनी वैल्यूज को कैसे इंक्रीज या डिक्रीज या हमारे एक्चुअल रिजल्ट पे कैसे पहुंचना है, हमने अपनी रेशियोज को डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन के साथ कैसे हैंडल करना होगा। तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे एक क्लास वर्क का क्वेश्चन है। यहाँ पे इफ 72 पीपल कैन कंप्लीट द वर्क इन 40 डेज एंड इन हाउ मेनी डेज विल द 64 पीपल कैन कंप्लीट द सेम वर्क। तो क्या हुआ कि अगर आपके का कोई काम 72 पीपल 40 डेज में फिनिश करते हैं तो आपको अगर हाउ मेनी डेज विल 64 पीपल कैन कंप्लीट द सेम वर्क। अब सेम वर्क है लेकिन 64 डेज में कंप्लीट करना है, तो कितने 64 पीपल्स हैं और कितने डेज उनको लगेंगे। तो आपने देखना है ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या इनवर्स, टीचर आपकी हेल्प करेंगे। सो क्लास में इसको जल्दी से कंप्लीट कीजिएगा ताकि हम चले जाएं अपने होमवर्क की तरफ। तो मैं चलता हूं अपने होमवर्क की तरफ। होमवर्क में है हमारे पास क्वेश्चन, अली कैन अर्न द रुपीज 98,100 इन द 14 डेज, इन हाउ मेनी डेज अली विल अर्न द 21,000। 21,000 वो कितने डेज में अर्न करेगा जबकि 9,800 उसे 14 डेज में अर्न करने थे। तो इसके लिए आपके पेरेंट्स आपकी हेल्प कर सकते हैं। हमने इसकी एक एग्जांपल भी यहाँ पे की, जो आमना ने अर्निंग की थी 8 डेज में, और फिर हमने देखा कि वो उसने एक खास टारगेट अचीव करना था तो उसके लिए उसको कितने डेज काम करना पड़ा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन थी। और यहाँ पे भी आपको ये शायद थोड़ा सा आप फील करें, इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करें, तो ये भी हमारी डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। पेरेंट्स की हेल्प से ये आप सॉल्व कर लीजिएगा, खुद से भी आप कर सकते हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग इसमें हो गई होगी। तो हम चलते हैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स की तरफ, जिसमें है हमारे पास लेसन प्लान्स, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज एंड पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस। तो इस तरीके से हमारा आज का लेक्चर इख्तिताम को पहुंचा। मैं चाहूंगा आपसे इजाजत। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।